हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीश्याम स्कूल। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेवेंथ चैप्टर ऑफ क्लास सेवेंथ साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम इस चैप्टर में वेदर के बारे में पढ़ रहे थे और वेदर के बारे में हमने काफ़ी कुछ क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सनशाइन रिसीव्ड एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द सीजन। देखें, सनशाइन की क्वांटिटी, कितनी ज़्यादा धूप होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द सीजन, कि कितना बड़ा दिन है और वो सीजन क्या है। अगर गर्मी होगी तो सनशाइन मतलब जो सूरज है बहुत तेज चमकेगा, सर्दी होगी तो हो सकता है सूरज ना भी, मतलब तेज धूप ना हो। ड्यूरिंग समर द डे टाइम इज लॉन्गर देन इट इज इन विंटर। गर्मी के टाइम जो दिन का टाइम होता है क्या होता है, बड़ा होता है रात, सर्दी के अकॉर्डिंग। सर्दी के टाइम पे क्या होता है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, ऐसे ही गर्मी में उल्टा होता है, रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं। द वेदर इज़ हॉट, मौसम गर्म होता है। वेन द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सन क्या है बहुत ही मतलब तेज से चमकता है। एंड कूल वेन देर इज़ लेस सनशाइन, और ठंडा होता है जब सन क्या है मतलब जो सनलाइट है वो क्या धीमी होती है, कम होती है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट द सेंटर ऑफ ऑल वेदर कंडीशन इज द सन, कि ये जो सेंटर है सारे वेदर कंडीशंस का वो क्या है, सन पे डिपेंड करता है। इन द सोलर सिस्टम देर आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ। सोलर सिस्टम के अंदर आपको भी पता है कि 8 प्लैनेट्स हैं, सन बीच में है और फिर उसके चारों तरफ क्या प्लैनेट चक्कर मारते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, बट अर्थ इज ओनली प्लैनेट सो फार ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। इन 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे क्या है लाइफ है और कहीं भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन आर प्लैनेट द अर्थ आर। देखिए, क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से अर्थ पे हम रह सकते हैं, क्या क्या ऐसे कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, वो देखते हैं। द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विच सराउंड्स द अर्थ गिव्स इट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डज नॉट अलाउ हीट टू गो आउट। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है अर्थ पे और वाटर वेपर की हमारे अर्थ के ऊपर, वो क्या करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हीट क्या है बाहर नहीं जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ सच एन इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द हीट मे गो डाउन टू -30 डिग्री। अगर ऐसा हो गया, अगर सपोज कीजिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये लेयर जो नहीं होगी, तो क्या होगा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या है -30 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा अर्थ। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इंसान का जिंदा रहना। देखिए क्या करता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये जो है क्या करते हैं, हीट को हमारी धरती में ट्रैप करके रखते हैं, धरती से ऊपर जाने नहीं देते हैं। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज ऑप्टिमम इनफ टू कीप द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस एट एन एवरेज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है वो इतना मतलब इतना ही है जिससे क्या हो, जो सन जो अर्थ का सरफेस हो वो क्या है जो अर्थ का सरफेस हो वो 30 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गर्म हो सकता है, विच इज़ जिससे क्या कर सकते हैं हम, जिस मतलब हमारी जो लाइफ है वो इतने डिग्री टेम्परेचर को झेल सकती है। देखिए इसका इस पॉइंट का सिंपल मतलब ये है कि जो धरती और सन के बीच जो डिस्टेंस है वो इतना है कि इस सन से जो धूप आ रही है वो जो धूप है वो धरती पे रह रहे लोगों के द्वारा वो सहन करी जा सकती है। अगर सन और भी ज़्यादा मतलब पास होता हमारे तो उसकी धूप इतनी तेज़ होती कि हम उसे सह नहीं पाते और जल जाते। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट एन एंगल टू द नॉर्मल एंड दिस कॉजेस चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस। देखिए जो अर्थ है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको पता है कि अर्थ इस तरीके से भी घूमता है, गोल 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 तो घूमता है और अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे करके घूमता है। तो जो एक्सिस है उस वो जब वो एक्सिस पे घूमता है अपने तो थोड़ा टिल्टेड है, नॉर्मल की तरफ क्या है टिल्टेड है, जिसकी वजह से ही क्लाइमेट कंडीशंस अराइज होती हैं, हॉट समर, कोल्ड विंटर और रेनी सीजन्स। द ओजोन लेयर विच सराउंड द अर्थ एटमोसफेयर डज नॉट अलाउ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच द अर्थ सर्फेस विच मे किल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ओजोन लेयर है सन से आने वाली वो क्या है हार्मफुल रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको धरती पे आने से रोकती है। अगर वो
जो अल्ट्रावायलेट रेस धरती पे आ गई तो वो क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे। तो जो ओजोन लेयर है, वो जो धरती के ऊपर लेयर बनी हुई है, वो क्या करती है, इन अल्ट्रावायलेट रेस को आने नहीं देती है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द मॉर्निंग इन समर आर कंपैरेटिवली कंफर्टेबल व्हाइल द आफ्टरनून्स आर मेजरेबल बिकॉज द टेम्परेचर इज एट इट्स हाईएस्ट। देखिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में हम देखेंगे कि मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। तो देखिए सिंपल मतलब क्या होता है इसका, कि आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम क्या होता है, मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जाती है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो दोपहर में बिल्कुल गर्म हो जाता है। इन द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ डे मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल ऑफ मर्करी रिकॉर्डेड बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इससे पहले मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के बारे में बताया था, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को काउंट करता है, मेजर करता है। तो जो उसमें जो मरकरी होता है जितना ऊपर जाता है, जैसे डेली बेसिस पे क्या करते हैं वो चेक करते हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर उसी के थ्रू क्या करते हैं वो मेजर करते हैं। डू यू नो व्हाट टाइम ऑफ द डे हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे हैज़ लोएस्ट टेम्परेचर? क्या आप जानते हैं कि किस दिन में कितने बजते हैं जब हाईएस्ट टेम्परेचर और कितने बजते हैं जब लो टेम्परेचर होता है? When the rays of the sun fall on the earth's surface during the daytime, जब दिन के टाइम सन की रेज जो अर्थ पे पड़ती हैं, they heat up the surface. तो उसकी वजह से क्या होता है, धरती की सरफेस, जो धरती की सतह है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। Generally the temperature is the highest in the afternoon. दोपहर के समय जो temperature बहुत ज़्यादा होता है। When the heat escapes during night, जब रात में देख अब धरती गर्म हो गई है, अब रात जैसे ही सूरज चला जाएगा, छिप जाएगा, तो क्या होगा, धरती में ने जो मतलब हीट एब्जॉर्ब की है वो क्या रेडिएट करेगी हीट, अब वहाँ से क्या है जो हीट धरती से बाहर निकलेगी, द टेम्परेचर फॉल्स, जिसकी वजह से धरती ठंडी होगी। सो द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड जनरली इन द मॉर्निंग, इसलिए लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो आफ्टरनून के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। इन द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर देर इज़ अ यू टू फिल्ड विद मर्करी। द मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होता है, एक यू शेप्ड का ऐसा ट्यूब होता है, उसके अंदर मर्करी फिल्ड होता है। वन आर्म ऑफ द यू ट्यूब रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड अदर एंड रिकॉर्ड द मिनिमम। जो एक एंड होता है यहाँ, जैसे यू शेप का ट्यूब है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर बताएगा और ये मिनिमम टेम्परेचर बताएगा। देर आर बल्ब्स एट द टॉप ऑफ ईच आर्म, दोनों के यहाँ पे क्या है, बल्ब्स होते हैं। द बल्ब एट द टॉप ऑफ द मिनिमम रीडिंग स्केल हैज़ एल्कोहल वाइल देर इज वैक्यूम और एल्कोहल वेपर्स एट द लोएस्ट लो टेम्परे लो प्रेशर ऑफ द अदर बल्ब। देखिए क्या बोल रहा है ये, कि जो जो बल्ब होता है द टॉप ऑफ द मिनिमम रीडिंग स्केल, उस वहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल होता है, लेकिन जो वैक्यूम जो दूसरा एंड होता है वहाँ वैक्यूम या एल्कोहल वेपर्स होती है लो प्रेशर पे। द कॉलम ऑफ द मर्करी इज पुश्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द बल्ब। जो मरकरी होता है वो क्या, उसको क्या धक्का लगता है, किसकी वजह से, एल्कोहल की वजह से। जो एल्कोहल है गर्मी की वजह से वो मरकरी को पुश करता है राइस धोने के लिए। मरकरी पुशेस द स्टील मार्कर्स व्हेन इट मूव्स इन एन ट्यूब, व्हेन इट मूव डाउन इट लीव्स द स्टील मार्कर एट इट्स पोजिशन। देखिए क्या कह रहा है ये, कि मरकरी पुशेस द स्टील मार्कर्स को पुश करती है, धक्का देती है, व्हेन इट मूव्स अप, जब वो ऊपर की तरफ जाती है किसी भी ट्यूब में, बट व्हेन इट मूव्स डाउन, लेकिन जब वो डाउन नीचे आती है, इट लीव्स द स्टील मार्कर, तो वो स्टील मार्कर को अपनी पोजीशन पे छोड़ देती है। इन दिस वे द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो इस तरीके से टेम्परेचर किसी भी टाइम पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ये यूट्यूब का है, ये देखिए ये बल्ब है, यहाँ एल्कोहल और मरकरी, इसमें तो मरकरी फील्ड होता है, ये एल्कोहल फील्ड होता है एक तरफ, और एक तरफ वैक्यूम है या फिर वेपर्स होते हैं एल्कोहल के, इसकी वजह से ये पुश होता है, फिर ये इस तरफ बढ़ता है या फिर इस तरफ बढ़ता है। ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है। You might have noticed that sometimes in the weather reports, the maximum temperature is reported as 42 degrees Celsius. देखिए आपने नोट किया होगा कि जो वेदर रिपोर्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है
42 डिग्री सेल्सियस. दिस मीन्स द टेम्परेचर ऑन दैट डे इज़ 42 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब ये है कि उस दिन का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है एंड इज़ 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एवरेज मिनिमम एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दैट डे. और इस माइनस वन का मतलब ये है कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम है मैक्स एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से. जो एवरेज है उससे 1 डिग्री क्या है कम है. द एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग इन टू द अकाउंट द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ओवर 30 और मोर डेज रेस्पेक्टिवली. एवरेज जो है वो 30 डेज का निकाल लेते हैं फिर उससे कंपेयर करते रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे का. वैन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन अ सर्टेन रीजन चेंज मच मोर देन द एवरेज वैल्यू इट इज़ रिपोर्टेड द रीजन इज हैविंग अ क्लाइमेट चेंज. देखिए जब इस मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो हमने एवरेज निकाला है जब ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर उस एवरेज से चेंज होता है एवरेज से क्या है चेंज होता है उन एवरेज वैल्यू से ज़्यादा या कम होता है तब हम कहते हैं कि उसके क्लाइमेट में चेंज आ रहा है. जनरली द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन सिटीज एंड अर्बन एरियाज आर हायर देन दोज ऑफ द सराउंडिंग रूरल एरियाज फॉर फॉरेस्ट. जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है वो सिटीज और अर्बन एरियाज में हाई होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज या फॉरेस्ट में. दी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब्स मोर हीट दैट देन द ग्राउंड एंड इट रिटेन्स द हीट फॉर अ लॉन्गर टाइम एज वेल. देखिए जो सीमेंट से पत्थरों से घर बने हुए हैं वो क्या है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड की अपेक्षा. और ग्राउंड और फिर क्या करते हैं जितनी हीट एब्जॉर्ब की उतनी हीट रेडिएट करेंगे तो उससे क्या होता है गर्मी ज़्यादा होती है. ऑल्सो लैक टू ट्रीज ना तो ट्रीज़ हैं वहाँ पे फॉरेस्ट जंगल वंगल नहीं है ग्रीनरी है ही नहीं तो वहाँ पे क्या होती है इसलिए ही गर्मी ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ में. तो स्टूडेंट्स यहाँ था ये था आपका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का लास्ट पैराग्राफ. इसके बाद हम ह्यूमिडिटी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय टेक केयर.